हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है सुबह के 9 और हम लोग जा रहे हैं हॉर्सशू बेन के लिए। और कल रात हम लोग आ गए थे पेज में, तो अभी हम निकल रहे हैं हॉर्सशू बेन में जाने के लिए। मैं यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत है। अभी मैं होटल के सामने ही खड़ी हूँ और यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये है होटल और होटल के सामने ये व्यू। तो चलिए हम चलते हैं हॉर्सशू बेन में और वहां जाके हम मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अभी हम होटल से निकल चुके हैं हॉर्सशू बेन जाने के लिए और होटल से हॉर्सशू बेन जाने में 8 मिनट टाइम लगेगा बाय कार। ये पेज जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये होटल से आसपास ही सब मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट सब अवेलेबल है। ये जगह बहुत ही मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे पॉल्यूशन भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जगह। और हॉर्सशू बेन जाने से पहले हम एक व्यू पॉइंट पे ये गाड़ी को रोकेंगे और वो व्यू पॉइंट को हम देखेंगे। वो दूर से दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे कार पार्किंग किया है, वहीं पे हम रुकेंगे और उस जगह को हम लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी उस जगह को एंजॉय करते हैं। अभी हम लोगों ने कार को पार्किंग कर दिया है और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अभी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो चुका है और अभी सुबह का टाइम है, 9:30 बजा है। अभी 9:30 बजे टेम्परेचर 95 हो गया है, पता नहीं 1:30-2 बजे कितना होगा। बहुत ही गर्मी लग रहा है। जब ये धूप स्किन के ऊपर लगता है ना, तब लग रहा है कि ऐसे ही स्किन जल रहा है, मगर पसीना तो नहीं हो रहा है, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लेफ्ट साइड में मुझे एक सीढ़ी दिखा, इस सीढ़ी से आप नीचे भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस सीढ़ी से नीचे जाते हैं और नीचे का जो व्यू है हम आप लोगों को दिखाते हैं। सीढ़ी बहुत ही डेंजरस है, बहुत अच्छी तरह से तो सीढ़ी नहीं बना है। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे पता चला कि इस सीढ़ी से ट्विटी नीचे नहीं जा सकती है, तो मैंने बोला कि मैं कार में जाके बैठती हूँ और प्रांतिक नीचे जाके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, उसको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ का प्रॉपर सीढ़ी तो नहीं बना है, साइड में ग्रिल देके रखा है और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लगा। जब प्रांतिक ये वीडियो बना के लेके आया था तब मुझे ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा मैं नहीं जा पाई तो मैं मिस कर दिया इस जगह को, मगर सच में बच्चों को लेके नीच में आप नहीं जाए तो ही अच्छा है, ऐसे ही जगह पे बच्चे नहीं जा सकती है। कितना खूबसूरत है ये जगह। आप लोग इस व्यू को एंजॉय कीजिए।
तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं और ये रास्ता देखिए कितना खतरनाक है। अभी हम उस जगह से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे हॉर्सशू में। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी चलिए हॉर्सशू में और इस जगह को आप एंजॉय। अभी हम जा रहे हैं हॉर्सशू में, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग किया। वहाँ से हॉर्सशू जाने में 20 मिनट्स टाइम लगेगा वॉकिंग करके। ये सब लोग वॉकिंग करके जा रहे हैं, जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से हम वापस आएंगे। कुछ लोग जा रहे हैं वापस भी आ रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सब लोग अम्ब्रेला लेके बड़ी बड़ी टोपी पहन के चल रहा है। और ट्विटी को मैंने एक टवल की मदद से रैप कर लिया है, इससे धूप उसको कम लगेगा, इसीलिए मैंने उसको रैप कर लिया है। और हम लोग पहुँच चुके हैं हॉर्सशू में और ये देखिए ये है हॉर्सशू। बचपन में हम लोगों ने किताब में पढ़ा था ये हॉर्सशू के बारे में और ये है हॉर्सशू। बहुत ही खूबसूरत है। मैं इस हॉर्सशू को अभी टेम्परेचर 100 डिग्री फारेनहाइट के आसपास है। इतनी गर्मी है 100 के ऊपर टेम्परेचर है, 100 डिग्री फारेनहाइट। लेट्स गो मामा, कम चली बोलवा दन लेने पन्ना वहां कुछ किधर कर। यहां पे गेट से
हम लोग पैदल 20 मिनट्स वॉकिंग करके आए हैं और फिर जाने के टाइम पे फिर से 20 मिनट्स वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। 20 मिनट्स कम ही हैं मगर रास्ता बहुत ख़राब है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत ही तकलीफ़ होता है। इट्स वेरी डेंजरस। लेट्स गो मामा, स्लोली। अभी हम निकल चुके हैं हॉर्सशूबेन से और हॉर्सशूबेन से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे एंटीलोप कैनियन में। तो एंटीलोप कैनियन में जाने में टाइम लगेगा 15 मिनट्स बाय कार, मगर हम लोगों ने एंटीलोप कैनियन का टिकट ऑनलाइन ही खरीद लिया था और हम लोगों का टाइम था 1:30 बजे। तो हम लोगों को 1:30 बजे पहुँचना है, बीच में अभी बहुत टाइम है, अभी 11:30 ही बजा है ओनली। तो अभी हम लोग यहाँ पे आसपास ही एक वॉलमार्ट है, हम लोग वॉलमार्ट में जाएंगे, थोड़ा पानी पिकअप करेंगे। हम लोगों का पानी थोड़ा गर्म हो गया है इसलिए ठंडा ठंडा पानी पिकअप करना है हम लोगों को। पानी पिकअप करेंगे उसके बाद हम जाएंगे एंटीलोप कैनियन देखने के लिए। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ एंटीलोप कैनियन का टूर कराएंगे हम। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि एंटीलोप कैनियन के अंदर कोई कैमरा अलाउ नहीं है। आप मोबाइल कैरी कर सकते हैं मगर कैमरा अलाउ नहीं है। कोई भी वीडियो नहीं बनाया है मगर यहाँ का बहुत ही अच्छा अच्छा कुछ पिक्चर लिया है। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए पिक्चर को। मुझे पता चल रहा है कि ये लोग कैमरा क्यों नहीं अलाउ करते। इस सीरी बहुत ही डेंजरस है इसीलिए इन लोगों ने कैमरा अलाउ नहीं किया है। बंदा था हम लोगों का गाइड, बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में सब कुछ बता रहा था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया है। इस सीरी से हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। हम लोगों को पूरा घूमने में 45 मिनट्स लगेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। लेट्स गो। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। मैंने यहाँ पे एक हर्ट भी बना लिया है। हम लोग इधर से नीचे से ऊपर आए हैं, इस छोटी सी जगह से हम लोग बाहर आए हैं। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस जगह को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और कल हम जाएंगे और एक जगह घूमने के लिए, उसके लिए वेट करना पड़ेगा।
तो आज के लिए।